उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है टू डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली। ये बात भी सही है, ये भी बोल सकते हैं कि एक डाई को दो दफा हमने रोल किया है, दोनों में आउटकम सेम ही होते हैं। तो टू डाइस, सिंगुलर हो तो डाई, प्लूरल हो तो डाइस, हमने रोल किया साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ओ आठ पार्ट है इसके भी। तो सबसे पहले तो हम जरा देखते हैं आउटकम इसके अंदर क्या बन रहे होंगे। तो क्या किया क्या हमने इसके अंदर, दो डाइस को रोल किया है, टू डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब देखो इसके आउटकम लिखना मुश्किल होता है क्योंकि इसके आउटकम कितने बनेंगे। प्रोडक्ट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल कहते हैं कि 36 आउटकम बनेंगे इसके। कैसे, पहले इवेंट, पहले डाई पे क्या क्या आउटकम आ सकता है, कोई भी 6 आउटकम आ सकते हैं। तो पहले इवेंट में कोई भी 6 आउटकम आ सकते हैं, दूसरे इवेंट में कितने आउटकम आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। दोनों एक साथ की बात की गई है, मल्टीप्लाई, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 आउटकम यहां पे आ सकते हैं। अब 36 आउटकम लिस्ट करना एक मुश्किल बात है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक मेथड बता देता हूं, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर आप यहां पे टेबल भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। एक चीज होती है जिसको आप कहते हो पॉसिबिलिटी डायग्राम। अगर आपको समझना चाह रहे हो ना कि आउटकम लिस्ट करना चाह रहे हो, आपको मिस ना कर दो, 36 है ना तो मिस करने के चांसेस होते हैं, तो आप पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लो। पॉसिबिलिटी डायग्राम ये होती है कि जिसमें आउटकम आप आसानी से लिस्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल। और ये दो, जब दो इवेंट हो ना, दो आप ये समझ लो दो चीजें हैं, दो स्टेजेस कह लो आप, दो स्टेज है, पहला स्टेज है, पहला डाई रोल हुआ है, दूसरा डाई रोल हुआ है, तो तब आप ये बनाते हो। तो फॉर एग्जाम्पल पहले डाई के अंदर क्या आउटकम आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह बना। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं सेट की फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन इसी मेथड को फॉलो करेंगे, आसानी से हमें कोई मिस नहीं होगा हमसे। तो किस तरीके से आप सैंपल स्पेस बनाओगे, भाई पहले डाई पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, तो लिखो किस तरीके से, 1, 1, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, इस तरह लिखोगे आप। अच्छा, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, 1, 2। अच्छा जी, अच्छा, आप हेड टेल हेड को भी ऐसे लिख सकते थे ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, लेकिन हम अवॉइड करते हैं, हम हेड टेल हेड लिख देते हैं डायरेक्ट, लेकिन आप इस तरह लिख सकते हो तो मसला नहीं। फिर 1 और 3 हो गया, 1, 3, फिर 1, 4, फिर 1, 5, फिर 1, 6, बस ये पॉसिबिलिटी थे। 1 के साथ आपने कर लिया, अब ये 6 पॉसिबिलिटी आपने लिखी है कि 1 के साथ 6 आपने पॉसिबिलिटी बना दी। उसके बाद अब ये सब आपने कर दिया, मैं नहीं सब करने लग गया, ये हो जाएगा 2, 1, फिर 2, 2, फिर कॉमा लगा दिया भाई, फिर होगा 3, 1, 3, 2, इस तरह करते हैं 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, खत्म। फिर 4, 1, 4, 2 करते करते 5, 1, 5, 2, और फिर आखिर में क्या होगा 6, 1, 6, 2, फिर 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, दैट्स इट। तो 36 आउटकम आपके पास आ जाएंगे, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ठीक है। और अगर पेपर में सवाल आ रहा है तो उसके 2-3 पार्ट देंगे आपको, 8 पार्ट तो नहीं देंगे, को 2-3 पार्ट देंगे और आपको आउटकम पूरे लिखने पड़ेंगे। एक तो आपको सॉल्यूशन में भी आसानी होगी और टेक्निकल तौर पे सवाल की डिमांड है कि आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ता है, तो सैंपल स्पेस पूरा लिखोगे आप। अब जरा हम देखते हैं कि यार इसके अंदर जो हमने पार्ट लिखे हैं किस तरीके से आप इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखा है भाई, लिखा हुआ है कि पार्ट 1 में लिखा हुआ है अ डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन, या डाइस के अंदर डबल का मतलब, डबल ऑफ एनी काइंड का मतलब ये होता है कि एक ही नंबर दो दफा आ रहा हो। अगर आपने दो डाई फेंके आपके पास 1-1 आ जाए दोनों के ऊपर, या आपने दो डाई फेंके आपके पास 2-2 आ जाए दोनों के ऊपर, या 4-4 आ जाए, या 6-6 आ जाए। तो डाई की टर्मिनोलॉजी में डबल आना, डबल आने का मतलब ये होता है कि दोनों पे सेम नंबर आ जाए। तो ये कितने तरीके से आ सकता है, 6 तरीके से आ सकता है, और तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि पहली पे 7 आ जाए दूसरे पे 7, नहीं भाई डाई के अंदर 7 तो होता ही नहीं है। तो जो पहला इवेंट लिखा हुआ है ना इन्होंने कि अ डबल ऑफ एनी काइंड, इस इवेंट को फेवर करने के लिए 6 केसेस हैं, अ डबल ऑफ एनी काइंड, कोई भी काइंड का, 1-1 हो जाए, 5-5 हो जाए, 6-6 हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इस जो इवेंट है इसको कितने केस फेवर करेंगे, 6 करेंगे। कौन कौन से, डबल किसमें आ सकता है, 1-1, फिर 2-2, ये डायगोनल इस तरह बन रहा होगा ये पूरा, 3-3, अच्छा फिर 4-4, 5-5 और फिर 6-6, ठीक है। तो
तो ये जो इवेंट है इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं बच्चों, इसको फेस फेवर कर रहे हैं 6 केसेस। 6 तरीके से जब आप दो डाई को फेंकते हो तो डबल ऑफ एनी काइंड आ सकता है, ठीक है। तो अब वक्त है प्रोबेबिलिटी निकालने का। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल सैंपल स्पेस। आप यहां पे लिख दे रहे हैं टोटल सैंपल स्पेस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 36। 36 ऑप्शंस है यहां पे कि आप दो डाई फेंको तो आपके पास आंसर आ सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 6 है, टोटल में 36 है, सॉल्व करो 1/6। तो वही ऑलमोस्ट 16.66% चांसेस है कि जब आप दो डाई को फेंको तो आपके पास डबल आ जाए किसी भी तरीके का, 1, 1, 2, 2, 6, 6 कुछ भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आज पार्ट नंबर 2 पे लिखा हुआ है। अच्छा देखो, अब सम के कितने केसेस हैं, तो मैं एक ही सवाल करवा रहा हूं सम का, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 ये सब इसमें कवर हो जाएगा। 2 में करवा रहा हूं, बाकी मैं बस समझा दूंगा। तो पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज 9। क्या मतलब है इसका कि जब आपने दो डाई फेंके तो दोनों डाई को जब आप सम कर रहे हो, उन दोनों डाई के ऊपर जो भी नंबर आ रहा है जब आप उसको सम कर रहे हो तो वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल नाम दे दो बी। अब पेपर में आपने सारे लिस्ट करने हैं, डॉट डॉट नहीं लगाने, सारे लिस्ट करके बताने हैं आपने। तो जब आप लिस्ट करके पूरा बताओगे तो आपने करना है कि आपने सम करना है, किसी भी ऑर्डर पेयर को पकड़ो सम करो। आप इस इवेंट में वो आउटकम कंसीडर करोगे कि जिनको जब आप ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। फॉर एग्जांपल पहला डाई पे 6 आया, दूसरे पे 3 आया, तो 6+3, 9। पहले पे 5 आया, दूसरे पे 4 आ गया, 5+4, 9, ठीक है। तो अब इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं, देखो सबसे पहले पहली रॉ के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा, पहली रॉ के अंदर मैक्सिमम अगर आप ऐड करोगे ना 1+6 तो 7 आएगा, 9 तो आ नहीं सकता। दूसरी रॉ में भी अगर आप करोगे तो मैक्सिमम 8 आएगा, 9 नहीं आएगा। तीसरी रॉ में जो आखिरी ऑप्शन होगा ना यहाँ पे 3, 6 वो आपका फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आप ही कह लो केस है कि इसमें जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 9 आएगा। अच्छा अगर 3, 6 वैलिड है ना तो फिर 6, 3 भी वैलिड होगा क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है ना। 3, 6 का मतलब पहले पे 3 आया दूसरे पे 6 आया, और 6, 3 का मतलब कि पहले पे 6 आया दूसरे पे 3 आया, ठीक है। तो दोनों अगर आप आउटकम देखो, वैसे अगर आप खुद जहन बनाओ बोलो कि यार नहीं मैटर नहीं करता, मुझे तो देखना है कि बस दो कॉइन जो है, दो जो डाई है उस पे क्या आ रहा है, ये मेरे लिए मैटर करता है, मेरे लिए मैटर नहीं करता पहले पे क्या है दूसरे पे क्या है, तो ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है ना। लेकिन प्रोबेबिलिटी में जब आप इन केसेस को डिस्कस करते हो ना तो आप अलग कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये इनका 9 हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब आप चौथी रॉ पे जब आप आओगे तो चौथी रॉ में यहां पे आ रहा होगा 4, 5 फिर 4, 6 होगा ना एंड पे, ठीक है। तो 4, 5 ये भी फेवरेबल आउटकम है, और अगेन जो पांचवी रॉ है उसके अंदर आपको मिलेगा 5, 4, ठीक है। तो पांचवी रॉ पे आओगे यहां पे 5, 4 मिल रहा होगा, आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। छठी रॉ पे आपको एक ही मिल रहा होगा 6, 3 वो आपने ऑलरेडी देख लिया। अब बाकी आप कोई भी ऑर्डर पेयर पकड़ो उनका सम जो है वो 9 नहीं होगा, इन चार के अलावा कोई भी आप पकड़ लो उनका सम 9 नहीं होगा, करके देख लेना। तो कितने आउटकम है भाई इसके अंदर, 4 केस इसको फेवर कर रहे हैं। तो वक्त आया है प्रोबेबिलिटी निकालने का। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल आउट सैंपल स्पेस 4/36 ये हो जाएगा 1/9 1/9 का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 11 कुछ बन रही होगी शायद, इतनी परसेंट चांसेस है कि आपके पास ये चीज और बन। अच्छा एक मैं बाद में कहने लगा था, आर और नो के मैं क्या कहने लगा था, हाँ मैं बोल लगा था कुछ ऐसी नोटेशन भी यूज करते हैं कि यहाँ पे एन के जगह ओ लिखवाया हुआ था, वही बात सही। मैं बुक में ओ यूज किया मैंने, हाँ बुक में ओ यूज किया। तो ओ का मतलब ये होता है, एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अगर ओ बी लिखा उसका मतलब भी यही के नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इवन मॉड के साथ भी आ सकता है। अगर आपके पास खाली ये चीज लिखी हुई है ना तो इसे घबराना नहीं, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, क्योंकि यहाँ पे बी एक सेट है ना, कॉन्टेक्स्ट में देखना है आपने, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। तो सब नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा गया था सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज लेस देन 7। अब मैं आउटकम लिख देता हूं, सॉल्व आप लोग कर लो। आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पिक करने हैं जिसमें जब आप सम कर रहे हो ना तो 7 से लेस आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4, मतलब 7 से कोई भी लेस नंबर आ रहा है सम करने के बाद। तो पहले रॉ में शुरू के जो 5 केसेस हैं वो इसके अंदर आएंगे,
क्योंकि शुरू के पांच केसेस में जब भी आप सम करोगे तो सेवन से लेस ही आएगा। हाँ, जो आखिरी केसेस में जब आप सम करोगे तो सेवन आ रहा होगा, आपको सेवन से लेस चाहिए। तो पहली रॉ के अंदर शुरू के पांच आउटकम, दूसरी रॉ के अंदर शुरू के चार आउटकम, चौथा आउटकम होगा 2.4, 2.4 जब एड करोगे 2+4 6, इसके बाद जो होगा ना 2.5 उसका सम 7 हो जाएगा, तो वाला होने। तीसरी रॉ में तीन होंगे 3.3 तक, दैट्स इट। चौथी रॉ में शुरू के दो हैं 4+2 6, नेक्स्ट जो होगा 4.3 सम करोगे 7 आ जाएगा। पांचवी रॉ में सिर्फ एक ही है 5.1 और छठी रॉ में कोई भी नहीं है। तो कितना नंबर आउटकम होंगे, 5, 4, 9, 9 और 3, 12, 12 और फिर 3, 15। तो इस केस को 15 फेवरेबल होंगे, तो 15/36 3 से कैंसिल करना, 5/ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा शायद, 5/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। कि मैंने सही कैलकुलेशन किया है? नहीं, 5/12 इतना अच्छा आंसर लग नहीं रहा मुझे, लेकिन हाँ है पार्ट 3 का मैंने ठीक किया। पार्ट 4 में लिखा हुआ था सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 7, कि अब जब उनका सम जो है वो 10 से ग्रेटर आ रहा है, मतलब 11, 12, देखो मैक्सिमम सम 12 हो सकता है। मैक्सिमम का मतलब भाई मैक्सिमम केस क्या है, जब आप दो टायर फेंको तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, दोनों पे छक्के आ जाए, दोनों पे 6-6 आ जाए, मैक्सिमम केस है ना। तो जब आप ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो डाय के अंदर मैक्सिमम जो नंबर ऐड करने पे आ सकता है ना वो 12 होता है। तो इन्होंने बोला है ग्रेटर देन 10, अब ग्रेटर देन 10 का मतलब या तो 11 आ जाए या 12 आ जाए, इससे ग्रेटर कुछ भी नहीं आ सकता। अब आप ये देखो 11 किस तरीके से आता है, 11 इस तरीके से आ सकता है 5 और 6, 6 और 5, बाकी आप कोई भी उठाओ उसमें 11 नहीं आ रहा होगा, 11 के दो ही केस होंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, वैसे 11 आएगा तो ये भी है ना कि 9 और 2 को ऐड कर दो, या आप 1 और 10 को ऐड कर दो, या 2 और 9 तो कंसीडर कर लिए ना, इसी तरह 3 और 8 कर लो आप, या 4 और 7 कर लो, लेकिन ये सब पॉसिबिलिटीज आप डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि डाई के अंदर 9 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता। तो आपने ये नहीं देखना कि 11 का बात है, नंबर्स नहीं है, डाई की बात की जा रही है। तो डाई के अंदर ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं जिसमें आपके पास 11 आ सकता है वरना नहीं आ सकता, और वो है चौथी, सॉरी पांचवी और छठी रॉ, क्योंकि चौथी रॉ के अंदर मैक्सिमम सम क्या आ रहा है 10। हाँ, जो पांचवी रॉ है उसके अंदर मैक्सिमम क्या होगा यहां पे 11, इसी तरह छठी है उसपे होगा 6.6, ये बाद में डिस्कस करते हैं, इससे पहले होगा 6.5। तो 5.6 और 6.5 आपने इंक्लूड कर लिया, तो ये 10 से ग्रेटर है 11 आ रहा है, फिर 10 से ग्रेटर क्या हो सकता है 12 हो सकता है, और 12 को बस एक ही केस फेवर कर रहे हैं 6.6। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हैं कि जिसमें जब आप सम कर रहे हो तो रिजल्ट आपका ग्रेटर देन 10 आ रहा है। अगर लिखा होता ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, फिर आप ये भी देखते कि जिसमें 10 भी आ रहा है तो आप वो 10 वाले केसेस भी देख लेते हो, इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो 7 को तीन केस फेवर कर रहे हैं, 3/36, 1/12 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखो होमवर्क दिए हैं लेकिन मैंने सब समझा भी रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ था सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज इवन, कि जब आप उनको ऐड कर रहे हो तो आपके पास इवन नंबर आ रहा है। अब इवन नंबर दो पॉसिबिलिटी से आ सकता है, या तो दोनों नंबर इवन हो आप ऐड करो तब इवन आता है, या दोनों नंबर ऑड हो तब भी आप ऐड करते हो तो इवन ही आता है। अगर एक ऑड एक इवन हो तो आप ऐड करते हो इवन नंबर नहीं ऑड नंबर आता है। तो आप ढूंढो कि किसमें दो ऑड है या किसमें दो इवन है। तो अगर आप इसमें देखो दोनों ऑड, इसमें दोनों इवन वाला केस नहीं होगा ना। अच्छा इसमें देखो दोनों इवन, फिर यहां पे होगा 2.4 इवन 2.6 इवन। तो हर रॉ में आप देखो तीन पॉसिबिलिटी आ रही है, इसके अंदर तीन आई है, इसके अंदर तीन आई। अच्छा इसके अंदर दोनों ऑड सम करोगे इवन नंबर आएगा, फिर 3.3 होगा सम करोगे इवन नंबर आएगा, 3.5 सम करोगे इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो हर रॉ में अगर आप देखो तो आपको तीन तीन इवन वाली पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। तो टोटल 6 रॉ है, 6 × 3 = 18। तो इसका मतलब अब अगर मैं करवाऊं, चलो मैं करवा देता हूं, ये आप लोग कर लेना खुद, यार इतनी मुश्किल चीज नहीं। मैंने आपको बता दिए कि हर रॉ जो मैंने लिखी हुई ना 36 जो है इसमें 18 ऐसे हैं कि जब आप सम करते हो तो आपके पास इवन नंबर आ रहा है। तो दैट्स इट, वो पूरा हो जाएगा। तो 18/36 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। पार्ट 6 में लिखा हुआ था सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज 13। ये है एक इम्पॉसिबल इवेंट। मैक्सिमम मैंने बताया था सम क्या आ सकता है 12 आ सकता है, 13 नहीं आ सकता। तो आप ये हेडिंग बना के लिखना नीचे, फॉर एग्जांपल इवेंट ए बोल देना और इसको एम्प्टी सेट बना देना कि मैक्सिमम 12 आ सकता है, 13 नहीं आ सकता। तो ये वो इवेंट है जो एम्प्टी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 7 करते हैं, थोड़ा डिफरेंट है वो। पार्ट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है,
कि द वन डाई शो ट्वाइस एज मच एज द अदर, वन डाई शोज ट्वाइस एज मच एज द अदर। वन डाई का मतलब पहली भी हो सकती है दूसरी भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि एक डाई पे जो नंबर आ रहा है दूसरे पे डबल हो उसका। अब पहली डाई पे जो नंबर आ रहा है उसका डबल दूसरी डाई में हो, या दूसरी डाई में जो नंबर आ रहा है उसका डबल पहली में हो, दोनों पॉसिबिलिटी ठीक है यहां पे। कहने का मतलब सबसे पहली बात डबल वाले केस आप निकालो कि जिसमें ट्वाइस आ रहा हो। ट्वाइस का मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले पे वन आ रहा है दूसरे पे टू आ रहा है, तो वन का डबल टू होता है ना। अब यहां पे डबल का मतलब टू टाइम्स, ट्वाइस की बात कर रहा हूं मैं। जो पहला वाला केस था वो डबल एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है जो आप डाई में बोलते हो, मैंने बता दी थी। तो ये केस है, अगर इसमें देखो एक डाई पे वन आ रहा है दूसरे पे टू आ रहा है, मतलब ट्वाइस आ रहा है इसके। अगर वन कॉमा टू इंक्लूड है तो टू कॉमा वन भी इंक्लूड होगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि पहली डाई पे जो आ रहा है उसका ट्वाइस दूसरी पे हो। नहीं, किसी भी एक डाई पे जो नंबर आ रहा है उसका ट्वाइस जो है वो दूसरे में मौजूद हो। तो यहां पे देखो दूसरी डाई पे वन आ रहा है उसका ट्वाइस पहली पे मौजूद है, तो ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। फिर आप क्या लोगे, टू कॉमा फोर, पहले पे टू आ रहा है दूसरे पे ट्वाइस मतलब फोर आ रहा है, और इसके अंदर फोर कॉमा टू भी आ जाएगा। फिर थ्री कॉमा सिक्स, और इसके अंदर सिक्स कॉमा थ्री भी आ जाएगा। तो बस छह केस होंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा ना। वन कॉमा थ्री नहीं हो सकता क्योंकि वो थ्राइस हो जाएगा, टू कॉमा सिक्स नहीं हो सकता अगेन थ्राइस हो जाएगा वो। तो ट्वाइस के जो केस है वो मैंने आपको मिसाल दी। तो कितने केस फेवर कर रहे हैं बच्चों, इसको छह कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 6/36, अगेन प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही है। यहां पे प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही थी। आखिरी पार्ट लिखा हुआ है देयर सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। अब भाई ये जो है ना, इसको आप बोलोगे सर्टेन इवेंट। सर्टेन क्यों भाई, ये तो लाजमी होगा, देयर सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। अब ये इक्वल की कंडीशन अगर नहीं डालते ना तो फिर 35 आउटकम इसको फेवर कर रहे होते। कहने का मतलब कि भाई इन सब आउटकम में आप देखो तो जब आप सम करते हो तो सम 12 से कम ही आ रहा होता है। भाई जितने भी 36 आउटकम लिखे हैं इसमें से 35 आउटकम ऐसे हैं कि उनको जब आप ऐड करोगे तो 12 से कम ही आ रहा होता है। भाई मैक्सिमम सबसे बड़ा 6.5 है ना, 6.6 से सबसे छोटा जो है, मतलब 6.6 से छोटा 6.5 है, 6.5 को जब आप ऐड करते हो तो 11 आ रहा होता है। इसी तरह 5.6 11, और हमने कोई देखा था शायद दो ही थे यहाँ पे 11 वाले, 11 वाला मैंने करवाया नहीं, 11 को दो ही केस कर रहे ना। हाँ तो भाई इससे कोई और ऑर्डर पेयर कंसिडर करोगे वो तो 11 से कम हो रहा होगा। कहने का मतलब ये कि जो 35 आउटकम है जब आप इनको ऐड करते हो तो लेस देन 12 ही आ रहा होता है कोई नंबर। सिर्फ एक आउटकम ऐसा है जिसमें जब आप ऐड करते हो तो 12 आता है। तो देखो इन्होंने इक्वल की कंडीशन भी तो लिखी थी ना, अगर ये बोलते कि लेस देन 12 तो 35 आउटकम इसको फेवर कर रहे होते। इन्होंने बोला लेस देन और इक्वल टू, कि लेस देन भी हो या कोई इक्वल टू 12 भी हो जाए, इसका मतलब ये भी इसमें शामिल हो गया। तो अगर आप 36 के 36 आउटकम को देखोगे तो या तो 12 से कम आ रहा होगा सम, या 12 के बराबर आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो इवेंट है ये सर्टेन इवेंट है, जब भी आप दो डाई फेंकोगे ये इवेंट लाजमी सेटिस्फाई हो गई होगा। तो जब आपने इसको करना होगा, मैं लिस्ट तो नहीं बना सकता, 36 की लिस्ट कैसे बनाऊंगा मैं, या आप लोग खुद बना लेना लिस्ट, इसके अंदर 36 के 36 आउटकम आ जाएंगे सारे, लिख देना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट क्या हो जाएगा, 36। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो चूंकि एक सर्टेन इवेंट है तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 1 इसकी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ 4 पेयर्स ऑफ शूज आर इन अ क्लोजेट एंड 2 शूज आर सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ शूज, टोटल शूज कितने हैं भाई। अब पहले चलो पेयर की बात करते हैं, नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज, नंबर ऑफ पेयर ही लिख दो भाई, समझ आ जाएगी आपको। 4 पेयर है। अब पेयर का मतलब दो शूज होते हैं ना एक पेयर के अंदर, तो टोटल शूज कितने हैं, नंबर ऑफ शूज, टोटल शूज कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है। अच्छा, अब जो आगे जाके ना इसके अंदर सेम फुट का डिस्कस किया, मतलब राइट लेफ्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ शूज
फॉर राइट फुट कितने हैं, चार हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ शूज फॉर लेफ्ट फुट भी कितने हैं, चार चार हैं। ठीक है, ये आपने डाटा बना दिया। अब करना क्या, आपने दो शूज सेलेक्ट करने हैं। टू शूज आर टू बी सेलेक्टेड, जैसे भी इंग्लिश है गुजारा कर लो आप लोग। दो शूज जो है वो हमने सेलेक्ट करने हैं। अब जरा सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, पार्ट में लिखा हुआ है दे। यहां पे काम करो, पार्ट करवाने से पहले ना टोटल आउटकम निकाल लो। टोटल आउटकम का मतलब बच्चों टोटल आठ शूज हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट कितने करने हैं, दो। तो आठ में से दो अगर आपने सेलेक्ट करने हैं तो टोटल कितने तरीके से आप आठ शूज में से दो सेलेक्ट कर सकते हैं, ये टोटल आउटकम है आपके, जो डिनोमिनेटर बनेगा प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो सबसे पहले टोटल आउटकम निकालो। किस तरह निकालोगे आप, इसको आप ये कह सकते हो कि लेट एस बी आ सैंपल स्पेस। अब यहां पे लिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, नाम देने पड़ेंगे सब, तो वैसे निकाल लो। आपने आठ में से दो शूज सेलेक्ट करने हैं तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 8C2। कैसे आया फॉर्मूला, अगेन कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे 7.23। ये पहले पढ़ाने की वजह क्या थी कि आपको पता चले कि क्या सवाल कॉम्बिनेशन है क्या परमुटेशन है। पहली बात सिलेक्शन का वर्ड खुद ही आ गया, आप समझ जाओ कि कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप सेंस भी बना सकते हो ना, जब आप दो शूज सेलेक्ट कर रहे हो, आपके पास दो शूज आ रहे हैं, तो इस जगह पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। जो आगे उन्होंने सवाल पूछे हुए ना कि दे विल बी मैच पेयर, कि भाई वो सेम मतलब एक सेम पेयर होना चाहिए वो, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता ना। आपने पहला जो फॉर एग्जाम्पल आपकी जूतियां हैं, अब आप पहली जूती पहनो लेफ्ट में या दूसरी जूती राइट में पहनो, या पहले राइट में पहनो फिर लेफ्ट में पहनो, फर्क तो कुछ नहीं है ना। सुन्नत का फर्क है कि सुन्नत है कि आपने राइट में पहले पहनना है, लेकिन मैथमेटिकल तो कोई फर्क नहीं ना, असल में तो दो पहन लिया आपने। तो वही चीज है, आपने आठ में से कोई भी दो सेलेक्ट करनी है, ऑर्डर मैटर नहीं करता किस तरीके से किस ऑर्डर में आपने सेलेक्ट किए, वो जो दो आपके पास आई है वो कौन सी है ये मैटर कर रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो आपने क्या किया, टोटल आउटकम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, 8C2 सॉल्व करो, हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 8 मल्टीप्लाई 7 ऊपर रह जाएगा, डिवाइड करो 4 मल्टीप्लाई 7, तो बच्चों टोटल आउटकम कितने हैं यहां पे, 28 है। 28 का मतलब बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, जो मैंने आपको बोला था लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, एस यहां पे क्या है, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम आते हैं। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 28, मतलब सैंपल स्पेस में टोटल 28 आउटकम्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब आप आओगे जिस पार्ट को आपने सॉल्व करना है, पार्ट नंबर वन में लिखा हुआ है दे विल बी मैच्ड पेयर। वो ये बोल रहे हैं कि आपने दो उठाए, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपने दोनों उठाए हैं वो सेम पेयर के हों, ये प्रोबेबिलिटी आपको बताएंगे। तो आप इसको नाम दे दो, लेट ए बी आर इवेंट इन विच शूज विल बी मैच्ड पेयर। ठीक है, अब ये जो इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया है कि ए जो है वो एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर मैच्ड पेयर हो, तो अब इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमने कुछ आउटकम डिफाइन नहीं किया, कोई नाम नहीं दिया हुआ कि पहले शूज को नाम दे दिया हो ये फलाना शूज, तो आप लिस्ट बना के लिख नहीं सकते। लेकिन आप वैसे लिख दो कि भाई इस इवेंट के अंदर चार केस फेवरेबल होंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास चार पेयर है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपने 28 आउटकम लिखे हैं आठ में से दो सेलेक्ट करने के, तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम नाम दे देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि जो एक शूज है वो आपके जो एक पेयर है पूरा वो ब्लैक है, तो आप उसको नाम दे दो B1 B2। दूसरा जो है वो फॉर एग्जाम्पल येलो है, येलो में से होता है व्हाइट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो W1 W2। फिर एक और पेयर है फॉर एग्जाम्पल ग्रे कर लेते हैं G1 G2। एक और जो है फॉर एग्जाम्पल ब्राउन कर लेते हैं B1 B2। तो ये आठ किस्म के शूज होंगे, इस आठ में से आपको कोई भी दो सेलेक्ट करने हैं। तो जो 28 आपके पास लिखी है ना ये क्या है, इसका मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आपने B1 खेल लिया, अच्छा ये सेम हो गए, तो आप इसको एक काम करते हैं हम ग्रे हो गया और रेड कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो B1 Red1 ये एक सिलेक्शन है, जो 28 लिखी है ना उसमें से एक सिलेक्शन मैंने लिखी हुई है कि कोई भी दो शू सेलेक्ट करने थे ना, तो B1 R1 ये एक आउटकम है,
फॉर एग्जाम्पल दूसरा आउटकम क्या होगा, G1 W2 ये दूसरा आउटकम है, तीसरा आउटकम क्या होगा B1 R2 ये तीसरा आउटकम हो गया। तो इस तरह करते करते कितने आउटकम है, 28 आउटकम है। लेकिन आपका जो इवेंट है इसको कितने आउटकम फेवर कर रहे हैं, अब इस इवेंट को कि मैच पेयर आए, इस इवेंट को चार केस ही आउट, चार ही आउटकम फेवर कर रहे हैं। कौन कौन से, कि फॉर एग्जांपल आपने B1 B2 कर लिया, जो आठ में से आपने दो सिलेक्शन करनी है ना, जो 28 आएंगे इसमें से एक सिलेक्शन ये भी तो होगी ना कि आपने B1 B2 कर लिया, अब ये मैच पेयर है। इसी तरह एक सिलेक्शन ये भी हो सकती है कि आपने जो दो सिलेक्ट किए वो R1 R2 कर लिए, अगेन ये इस इवेंट को फेवर कर रहा है आउटकम, R1 R2 मैच है दोनों। फॉर एग्जाम्पल आठ में से आपने जब दो सिलेक्ट किए तो W1 W2 कर लिया, अगेन ये वाला आउटकम इसको फेवर कर रहा है, मैच पेयर है। और आखिरी पॉसिबिलिटी क्या है, G1 G2। तो ये जो 28 है ना उसमें से चार ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी जिसमें मैच पेयर आया हुआ होगा, जो एक पेयर होगा, ठीक है, ब्लैक वाला पेयर होगा, रेड वाला होगा, व्हाइट वाला होगा, ग्रे वाला होगा। तो दैट्स व्हाई लाइक इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं, चार कर रहे हैं। अब आपको पेपर में ऐसे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से नाम दोगे, डिफाइन करोगे, छोड़ दो, ए को नाम दे दिए, इवेंट ए यही है, दैट्स इट, आपने फोर बोल दिया। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। आपको चार आउटकम फेवर कर रहे हैं, टोटल आउटकम कितने, 28, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इस चीज की, 1/7। तो ये पार्ट वन आपका हो गया। पार्ट नंबर टू में लिखा हुआ है दे विल बी फॉर द सेम फुट, दे विल बी फॉर द सेम फुट। अगर आपने लाइन नहीं लिखनी तो आप लाइन छोड़ दो, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट वही आप डिफाइन करोगे, लेट बी बी आई इवेंट इन विच शूज विल बी फॉर द सेम फुट। तो अगर लाइन लिखना आप नहीं चाह रहे तो दैट्स इट ना लिखो, बस आपने हेडिंग मेंशन कर दी, यही काफी है आपके लिए, कोई प्रॉपर आपको इंग्लिश में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे बस इसको डिफाइन कर दो कि फॉर एग्जांपल आप बी कह दो, ठीक है, अलग से कहने की जरूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं होता कि आपने हर चीज को डिफाइन करना होता, कुछ चीजें ऑब्वियसली होती हैं तो बहुत जरूरत नहीं होती उनकी, खुद ही बात समझ आ जाती है कि बच्चे ने क्या बोला हुआ क्या नहीं किया। अब यहां पर मैं खाली ये लिख देता तो खुद ही इंप्लाइड थी बात कि यार इस इवेंट को मैंने ए बोल दिया, यहां मैंने बी लिखा है, बात इंप्लाइड है कि इस इवेंट को मैंने बी बोल दिया, आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो ये मैंने करके भी दिखा दिया। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया। अब ये जो इवेंट है इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं, अब इसको जरा हम देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपने दो शूज उठाए, ये टोटल 8 शूज थे, इसमें से आप दो उठा रहे थे, टोटल 28 आउटकम थे। तो जो आपने दो उठाए होंगे ऐसी भी तो पॉसिबिलिटीज होंगी कि वो सेम फुट के होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने B1 उठाया, B1 के साथ R1 उठा लिया, कंसिडर कर लो 1 का मतलब है कि लेफ्ट फुट, जो 1 लिखा हुआ ना, लेफ्ट लाइड लेफ्ट लाइड, तो 1 का मतलब कि लेफ्ट। अगर आप इन दो शूज को उठाओगे, देखो दोनों सेम फुट के हैं, लेफ्ट के आपने दोनों शूज उठा लिए, फॉर एग्जाम्पल B1 G1 अगेन लेफ्ट के उठा लिए आपने, दोनों लेफ्ट के हैं। इसी तरह W1 R1 अगेन दोनों लेफ्ट के आपने उठा लिए। बनाते जाओ पॉसिबिलिटी, W1 के साथ आप G1 कर दो, दोनों सेम फुट के उठा लिए। अब सेम फुट में लेफ्ट भी आता है राइट भी आता है, अब ये और की कंडीशन है यहां पे कि लेफ्ट के आपने उठाए होंगे उनके कितने केस हैं यहां पे, अब किस तरह निकालोगे। सर मैं अभी लेफ्ट की बात कर रहा हूं, लेफ्ट के कितने शूज हैं, लेफ्ट के शूज 4 हैं, ये जितने आपके पास ये टोटल 8 लिखे हुए हैं इसमें से लेफ्ट के कितने शूज हैं, 4 शूज है ना। अब लेफ्ट के जो 4 शूज हैं इसमें से 2 आपने उठाने हैं, सेम है ना भाई, जो पूरा आपके पास जो आउटकम है टोटल आपके पास 8 शूज थे उसमें से अगर आप लेफ्ट के देखो तो आपको 4 नजर आ रहे हैं। अब इन लेफ्ट के 4 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4C2, ठीक है। अब उन्होंने बोला फॉर द सेम फुट, वो लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपने 8 में से जो शुरू में आपने काम करना था, 8 में से जो आपने 2 शूज उठाए हैं उसमें से दोनों शूज जो हैं वो लेफ्ट के हैं और साथ साथ वो दोनों शूज राइट के हैं? नहीं भाई, या तो लेफ्ट के होंगे या राइट के होंगे, ये एक साथ कैसे पॉसिबल है, एक साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स व्हाई आप ऐड करोगे, ठीक है। ये वही काम करते थे जैसे आप प्रमोटेशन में नहीं करते थे कि बुक को आपने अरेंज किया स्पेसिफिक बुक एंड पे हो, अब वो एंड दोनों होते हैं, स्टार्ट भी हो सकता है एंड भी हो सकता है, तो हम एक कंसिडर करते थे कि वो बुक स्पेसिफिक स्टार्ट में है तो इतने केसेस हैं, प्लस दूसरा कंसिडर करते थे कि वो एंड में है तो इतने केसेस हैं, तो आप ऐड करते थे क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती थी। अगेन यहां पे दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो लेफ्ट 4 थे
उन चार में से अगर आपको फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट का केस अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो चार लेफ्ट वाले शूज हैं आपके, तो 4C2 मतलब चार लेफ्ट में से दो लेफ्ट उठाने की कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 4C2। इसी तरह आपके पास चार राइट है, चार राइट में से दो के उठाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 4C2। और आप इनको आपस में क्या करोगे, एड, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो 4C2 बच्चों क्या होता है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अगेन 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4, 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12। तो ये जो केस है इसको कितने केसेस फेवर कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं। अगर आप लिस्ट बनाओगे ना 28, चाहो तो लिस्ट बना के देख लेना, तो देखना इसकी 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। लेफ्ट की मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कि B1 के साथ फॉर एग्जाम्पल आप R1 कर लो, B1 के साथ आप G1 कर लो, B1 के साथ आप W1 कर लो, ये लेफ्ट के सारे। इसी तरह B1 के हो गए ना, R1 के साथ आप G1 कर लो, R1 के साथ आप W1 कर लो, फिर G1 और W1। तो लेफ्ट के 8 में से जब आप दो शूज उठाओगे ना, टोटल 28 आउटकम है, उसमें से 6 ऐसे आउटकम है कि जिसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास दोनों लेफ्ट वाले शूज आ गए, और इसी तरह 6 ऐसे आउटकम है जिसमें आप ये ऑब्जर्व करोगे कि दोनों आपके पास राइट आ गए। तो 28 आउटकम में से 12 आउटकम ऐसे होंगे जिसके अंदर आपके पास सेम या तो लेफ्ट फुट के होंगे या दोनों राइट फुट के आ जाएंगे। इस इवेंट को 12 केस फेवर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट कितने होंगे, 12 होंगे। इस इवेंट को जो 12 केस है वो फेवर कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट बी क्या होगी, NB डिवाइडेड बाय NS, 12 अपॉन 28, सॉल्व करो, 3/7 यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। तो बच्चों ये दोनों पार्ट आपने खत्म कर लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज।